हम इंतज़ार कर रहे थे कि जब हालात बेहतर हों और हम इस पोजीशन में आ सकें कि हम स्कूल और कॉलेजेस या सारे तालीमी इदारे जो हैं उनको खोल सकें। पर यहाँ तक पहुँचने के लिए बड़ी तगोदौ और मेहनत की। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर जो था उसने बहुत ज़्यादा तहकीक की, हमने भी अपने मुख्तलिफ लोगों से कंसल्टेशन की और जो तहकीक की वो आपको सामने नज़र आई आ रही है कि ये फैसला कि अब आगे कैसे बढ़ना है इसको करने के लिए सिर्फ ये कोई मेरी जवाबदेही नहीं थी या सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का नहीं, एक वाइड कंसल्टेटिव प्रोसेस शुरू हुआ। एक्सपर्ट्स के पैनल थिंक टैंक से और मुख्तलिफ अदारे जो थे वहाँ से लिए गए, जो दुनिया के ट्रेंड्स थे, जो हमारे इलाके में हमारे खित्ते में हो रहा था उसका जायज़ा लिया गया, उसको जांचा गया। उसके बाद हेल्थ मिनिस्ट्री ने, हमारे साथ डॉक्टर फैसल साहब बैठे हैं जो जिन्होंने बड़ी मेहनत से सारे प्रोविंसेस से कंसल्ट किया और डेटा लिया और डेटा इकट्ठा करके उसको आगे बढ़ाया। जो स्कूलों के चेन्स थे उनके साथ कंसल्टेशन हुई और फेडरेटिंग यूनिट्स के साथ, तो जैसे मैंने कहा कि हम इंटर प्रोविंशियल एजुकेशन मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस के ज़रिए एक रेगुलर कंसल्टेशन करते रहे। हेल्थ मिनिस्ट्री हेल्थ साइड पे करती रही, एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है वो एजुकेशन साइड पे करती रही। तो ये एक पूरा एक लंबा प्रोसेस था जिसमें हम आज इस नतीजे पे पहुँचे हैं कि हमने ये फैसला किया है कि जो तालीमी इदारे हैं उनको बतदरीज खोला जाए। और उसके लिए जो हमने फैसला किया है, नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिसको अप्रूव किया है, वो ये है कि 15 सितंबर से जितने भी हमारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस हैं, यानी कि सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे जो जितने भी हायर एजुकेशन के प्रोफेशनल कॉलेजेस हैं, वो सारे के सारे 15 सितंबर से खुल जाएंगे। उसके अलावा 9वीं और 10वीं, 11वीं और 12वीं इंटरमीडिएट कॉलेजेस और 9वीं 10वीं क्लास स्कूलों में जो है वो भी उसकी भी इजाज़त हो जाएगी। सो ये एक बहुत बड़ा फैसला है और मैं यहाँ पे आगे बढ़ने से पहले मैं वालदैन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इंतहाई तहम्मुल और सब्र से ये 6 माह गुजारे। मुश्किल वक्त थे, बच्चों की तालीम का हर्ज हो रहा था, बच्चों की एक्टिविटीज़ जो थी वो रुक गई थी, लेकिन सब ने इंतहाई तहम्मुल से इस वक्त को गुजारा और हम आज इस मुकाम पे पहुँचे हैं अल्लाह ताला के फजल व करम से कि हम ये कह रहे हैं कि 15 सितंबर से सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूशंस, प्रोफेशनल कॉलेजेस और जो 9वीं और 10वीं क्लास है उसके बच्चे वो स्कूल जो है वो स्कूलों में आ सकेंगे। उसके बाद बच्चों की सेहत को क्योंकि मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है, 7 दिन हम देखेंगे। 7 दिन के बाद दोबारा जायज़ा लिया जाने के बाद 23 सितंबर को 6वीं 7वीं और 8वीं की क्लासेज जो हैं उनको भी इजाज़त होगी और वो भी खुल जाएंगे। तो जो हायर एजुकेशन के स्टूडेंट्स हैं वो तकरीबन 70 लाख हैं, जो 6वीं से 8वीं के क्लासेज में स्टूडेंट्स हैं सारे पाकिस्तान में, और इसमें सरकारी भी हैं प्राइवेट भी हैं सारे हैं, वो तकरीबन 64 लाख हैं। और उसके बाद एक हफ्ता और इंतज़ार किया जाएगा और 30 सितंबर को अगर हालात ठीक रहे, हालात का जायज़ा लेने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि प्राइमरी के सारे स्कूल जो हैं वो भी खोल दिए जाएं। तो अब मैं ज़रा इसको रिपीट करता हूँ कि हमने ये बदतरीज तालीमी इदारे खोलने का फ़ैसला किया है और उसका तरीकाकार ये बनाया है कि 15 सितंबर को
सारी यूनिवर्सिटीज़, सारे हायर एजुकेशन के अदारे और नौवीं और दसवीं क्लास जो है वो उसका इजरा हो जाएगा और उसको खोलने की इजाज़त होगी। उसके बाद 7 दिनों के बाद 23 सितंबर को दोबारा जायज़ा लेने के बाद जो 6वीं से 7वीं 8वीं क्लास है उनको इजाज़त होगी कि वो स्कूल में आ सकें और एक उनके लिए भी खोल दिया जाएगा। और आखिरी 30 सितंबर को प्राइमरी इंस्टीट्यूशन जो हैं वो भी खोल दिए जाएंगे। यानी कि 15 दिन के अरसे में अगर हालात ठीक रहे, जो एक इंशाल्लाह लग रहा है कि होंगे, लेकिन हम बड़े बगौर जायज़ा लेने के बाद ये सारे इंस्टीट्यूशन जो हैं इनको खोल देंगे। इसमें खोलने के बहुत सारे जो रिक्वायरमेंट्स हैं, जिसको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स कहते हैं, वो भी नाफिज होंगे। और उसके बारे में और हेल्थ के बारे में डॉक्टर फैसल साहब जो हैं वो आपको प्राइम मिनिस्टर स्पेशल असिस्टेंट ऑन हेल्थ वो आपको बताएंगे। लेकिन मैं फिर एक दफ़ा सारे वालदैन का और सब का शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने इंतहाई सब्र और तहम्मुल से, और तालिब इल्म जो कि 6 माह से स्कूल नहीं जा रहे, यूनिवर्सिटीज़ को नहीं जा रहे, कॉलेजेस में नहीं जा रहे, उन्होंने भी इंतहाई तहम्मुल से ये वक्त गुजारा है। मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। डॉक्टर फैसल साहब। शुक्रिया शफकत साहब। मैं सिर्फ चंद लम्हात लूँगा कुछ वाज़े करने के लिए कि जो फ़ैसले हमने किए हैं उसका तरीक़ाकार क्या रहा है, उसके पीछे मंतक क्या रही है, और आइंदा आने वाले दिनों में वो कौन सी एहतियाती तदाबीर हैं जिनको अपनाना हमारे लिए बहुत अहम होगा। उसकी तफसील तो हमारी जो गाइडलाइंस हैं वो हमारी वेबसाइट पे मौजूद हैं महकमा सेहत की, लेकिन कुछ उसके जो चीदा चीदा और अहम हिस्से हैं उनका मैं ज़िक्र करता चलूँ। सबसे पहले तो ये, जैसे शफकत साहब ने फरमाया कि हमने पहले ही फ़ैसला किया था कि एक दिन होगा जब हम इस अपनी प्रेजेंट स्टेट को एनालाइज़ करेंगे, देखेंगे हम कहाँ खड़े हैं, हमारे क्या इदाद व शुमार हैं, बीमारी का फैलाव कहाँ है, और अगर हमें इत्मीनान हुआ तो फिर ये जो 15 सितंबर की तारीख थी जिसको एक अंदाज़े के तौर पर रखा गया था, उसमें फिर स्कूल खोल दिए जाएंगे। तो आज की पोजीशन ये है कि हमारे जो टेस्ट हैं, जो हमारे टेस्ट की पॉजिटिविटी का परसेंटेज है, वो तमाम हमें तसल्ली बख्श दिखता है, और हम समझते हैं कि हम उसकी बेसिस पे जो गुज़िश्ता तमाम ओपनिंग्स हुई हैं, जो तमाम पीछे रिलैक्सेशन की गई है एक्टिविटी में, उनके जो भी असरात आने थे वो किसी हद तक वाज़े तरीके से नज़र आ रहे हैं, और हम एक कॉन्फिडेंस के साथ कह सकते हैं कि अब हमें स्कूल खोल देने चाहिए, बतदरीज तरीके से इदारे जो हैं तालीम के उनको खोल देना चाहिए। अच्छा, उसमें जैसे शफकत साहब ने फरमाया वो एक बतदरीज स्टेप होगा, स्टेज्ड प्रोसेस होगा, और उन्होंने उसकी तफसील आपको बता दी, मैं उसके बारीकी में दोबारा नहीं जाता, लेकिन ये बताता चलूँ कि ये इस पर बहुत दुनिया भर में भी बहस रही है, पाकिस्तान में भी डिबेट रही है, हमारे अपने फोरम पर भी इस पर बहुत डिस्कशन हुई कि छोटे बच्चे पहले, बड़े पहले, बीच वाले पहले, और या इस किस सीक्वेंस में या किस अंदाज से इनको खोला जाए। तमाम अवामिल को मद्देनज़र रख के, दुनिया की एविडेंस को देख के, जिसमें कुछ बसा अवकात छोटे बच्चों की तरफ ज़्यादा होता है रुझान कि उनको पहले खोला जाए, लेकिन जब हमने इस सारे मामले का जायज़ा लिया और जो हमारे स्टूडेंट्स की तादाद है मुख्तलिफ सेक्टर्स में, जब उस पर गौर किया और हमारे सोशल और हमारे स्कूल्स के हालात पे देखा, तो हमने कलेक्टिवली ये फ़ैसला किया कि इसको पहले हायर एजुकेशन और हायर सेकेंडरी स्कूल और फिर 6ठी से 9वीं तक और फिर उसके बाद प्राइमरी स्कूल्स। तो ये इसके पीछे बैकग्राउंड और बेसिक सोच थी। इसमें बहुत कंसल्टेशंस और गौर वास हुआ। जो आइंदा आने वाले दिनों में हमने एहतियाती तदाबीर करनी है वो उसकी बारीकी और तफसील तो जैसे मैंने बताया मौजूद है, लेकिन उसके जो अहम जुज़ हैं वो ये है कि जहाँ कहीं भी ये बच्चे पढ़ने, हमारे नौजवान इकट्ठे होते हैं पढ़ने के लिए, उधर जो डेंसिटी है, यानी एक कमरे में या एक क्लासरूम में या एक लैब में जो आम एक्सपेक्टेड नंबर होता है लोगों का,
उसको कम करने की ज़रूरत है। उसमें जो फैलाव है बीमारी का, उसको रोकने के लिए उसकी जो डेंसिटी है वो कम करनी है। अब उसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि मिसाल के तौर पे अगर एक क्लास के कमरे में 40 बच्चा आम हालात में बैठता है, तो हमारी कोशिश ये होगी कि उसको हम दो शिफ्टों में या दो दिनों में डिवाइड कर दें, 20 बच्चे एक दिन आएँ और 20 बच्चे अगले दिन आएँ। मकसद यही है कि किसी एक वक्त पे एक तंग जगह में जो लोगों की तादाद है, बच्चों की तादाद है, उसमें कमी की जाए ताकि एक से दूसरे में जो फैलाव है बीमारी का वो रोका जा सके। दूसरी बात ये है कि हत्तुल वसा कोशिश हो कि उनके दरमियान जहां बच्चे बैठे हैं एक फासला मेंटेन हो, और वो उसी सूरत में हो सकता है अगर आपने ये जो पहला कदम है ये ले लिया हो, यानी आपने एक क्लास को दो या तीन हिस्सों में डिवाइड कर दिया हो और वो उसके मुताबिक बच्चे एक दिन एक सेट आए और अगले दिन दूसरा बैच आए। इसके बाद जो एक बहुत अहम और मैं समझता हूँ शायद कलीदी रोल इसमें इस मामले में हो, वो मास्क का इस्तेमाल है। मैंने पिछली दफ़ा भी जिक्र किया था कि ये सर्जिकल मास्क है, ज़रूरी नहीं कि ये सर्जिकल मास्क ही इस्तेमाल हो। तमाम माँ बाप से गुजारिश है कि वो अपने बच्चों के लिए चाहे कपड़े का मास्क, एक कपड़े का हिस्सा लेके एक रुमाल नुमा जगह को कपड़े को उसके साथ डोरियां डाल के उससे भी मास्क बनाया जा सकता है और उसको रोज़ाना धो के इस्तेमाल किया जा सकता है। तो मास्क का लाजम तौर पे किया जाए, बच्चों को समझाएं भी, उनको इसकी अहमियत भी बताएं, और स्कूल की इंतज़ामिया से, कॉलेज की इंतज़ामिया से कॉपरेट भी करें, क्योंकि उनको हिदायत है कि उन्होंने अपने अपने इदारों में इस चीज़ का इतलाक़ करना है। तो ये मास्क बहुत एक अहम हमारा हिस्सा होगा काम का। एक और बात यह है कि मेरी वालदैन से और बच्चों से, और बीच में सारे बच्चे नहीं हैं, नौजवान भी हैं हमारे, उनसे दरख्वास्त है कि अगर आप बीमार हैं, अगर आपको खांसी है, बुखार है खसूसन, तो आप किसी सूरत भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी मत जाएं, क्योंकि आपकी बीमारी से किसी और को लगने का ख़तरा हो सकता है। तो ये कुछ सेल्फ़ स्क्रीनिंग भी है, यानी आपने ख़ुद भी एक ज़िम्मेदारी उठानी है कि अगर आप बीमार हैं तो आप स्कूल ना जाएं, कॉलेज ना जाएं। लेकिन तालीमी इदारों को भी ये हिदायत की गई है कि इस किस्म की सिम्टम की स्क्रीन और जहां मुमकिन हो वहां टेम्परेचर चेक किया जाए, ताकि बीमार बच्चे या बीमार नौजवान जो हैं वो तालीमी इदारों में ना आएँ। हाथ धोने की, हैंड्स हाइजीन की, हैंड वॉशिंग की जो अहमियत है उसका जिक्र हो चुका है, मैं उस पर बहुत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं समझता हूँ कि वो भी एक अहम जुज़ है। ये सारी चीज़ें, ये सारे इकदामात करने के बावजूद हम अपना गार्ड लोअर नहीं करेंगे, हम इस चीज़ से नज़र नहीं हटाएंगे कि कितने लोग कहाँ टेस्ट में पॉजिटिव आ रहे हैं। तो इसकी पूरी एक स्ट्रेटजी है जो महकमा तालीम के साथ शेयर हो चुकी है, जो आपके महकमा सेहत हैं उसमें कोऑपरेट करेंगे, और हम एक सेंटिनल स्क्रीनिंग करेंगे। चंद चुने हुए स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटियाँ जो हैं उनमें हर दो हफ्ते बाद टेस्टिंग होगी, ताकि हमें यह अंदाज़ा होता रहे कि बच्चों के स्कूल और यूनिवर्सिटी आने के बाद कोई ख़ातिर ख़ा इजाफा तो नहीं हो रहा बीमारी में। इसके अलावा हम जो नेशनल फिगर्स हैं, जो हमारे प्रोविंशियल इंफॉर्मेशन आती है, उधर से भी हम ये सारा इदाद शुमार पर नज़र रखेंगे, ताकि अगर खुदा न खास्ता इसमें कोई ऊँच नीच आती है तो हम उसके मुताबिक अपने फ़ैसले को रिवाइज़ भी कर सकें और कुछ बेहतर तदाबीर भी इसमें बरूए कार ला सकें। आखिर में बस इतना कहूँगा कि ये जितने भी हमने इकदामात आज तक किए हैं इंडस्ट्री को, रेस्टोरेंट्स को, बाकी चीज़ों को खोलने के, उनमें ये सबसे बड़ा कदम है, इसीलिए इस पर हम इतनी ज़्यादा तवज्जो भी दे रहे हैं और इसको सबको याद करा रहे हैं कि इसको, इस चैलेंज को मिलजुल कर और कोऑपरेशन के साथ जो है अगर हमने अडॉप्ट किया तो इंशाल्लाह इस मुश्किल मरहले से भी हम निकल आएंगे, और ना सिर्फ कि फिर हमारे बच्चे अपनी तालीम मुकम्मल तौर पे अच्छे तरह से हासिल कर सकेंगे, बल्कि हम इस बीमारी के फैलाव से भी रुकने में कामयाब होंगे इंशाल्लाह। मैं दो तीन चीज़ें और अर्ज़ करना चाहता हूँ। एक तो ये कि ये जो 15 तारीख को हम तालीमी इदारे नौवीं क्लास से ऊपर के, यानी कि यूनिवर्सिटीज़ और इंटरमीडिएट कॉलेजेस और वो जो सारे खोल रहे हैं, इसका इतलाक़ वोकेशनल जितने भी हमारे हुनर के अदारे हैं उन पर भी होगा, यानी कि वोकेशनल के जो अदारे पहले फैक्ट्रीज़ में या बाकी जगह ट्रेनिंग दे रहे थे, अब जो क्लासरूम ट्रेनिंग वोकेशनल की या हुनर की होगी, वो सारे अदारे जो हैं उनको भी खुलने की इजाज़त होगी।
सिर्फ एक इतला अर्ज़ करूँ कि जब हम तालीमी इदारों का ज़िक्र करते हैं तो उसमें हम सब तालीमी इदारों का ज़िक्र करते हैं, जिसमें मदारिस भी शामिल हैं, जिसमें सरकारी स्कूल भी शामिल हैं, जिसमें प्राइवेट स्कूल्स भी शामिल हैं, और इसके अंदर वोकेशनल स्कूल्स भी शामिल हैं। तो ये सारे जो सारे तालीमी इदारे हैं इनका और जो आज फैसला आज किया गया है इसका इतलाक़ सब पे है, मदारिस पे भी है, सरकारी स्कूलों पे भी है, प्राइवेट स्कूलों पे भी है, और वोकेशनल इंस्टीट्यूशन जो है उनके उन पर भी है। और दूसरी बात जो आसान बात नहीं है कहनी, लेकिन कहना पड़ता है कि जहाँ पे हमने ये महसूस किया कि SOPs पे या एहतियात नहीं बरती जा रही, वहाँ पे हुकूमत जो है वो फिर तादीबी कार्रवाई भी कर सकती है। यानी कि अगर किसी स्कूल ने और किसी किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने जो हमने बुनियादी तदाबीर बताई हैं अगर उन पे अमल ना किया तो उसका उसकी नेचुरली उसमें एक उसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती और उस पर कोई कार्रवाई भी होगी। और ये जो डॉक्टर साहब ने जैसे कहा, ये बहुत मुश्किल फ़ैसला है और मुश्किल मरहला है, क्योंकि इस पे सारे कौम के जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल जो है उसका आसान फ़ैसला नहीं था। बहुत सोच समझ के, बहुत एहतियात बरत के, सारे जो सेहत के मामलात थे उनको मद्देनज़र रख के ये फ़ैसला किया जा रहा है। और इसमें कामयाबी तभी होगी कि जब कोऑपरेशन होगी, वालदैन की कोऑपरेशन होगी, टीचर्स की कोऑपरेशन होगी, स्कूल्स के और जो मुख्तलिफ तालीमी इदारे हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटर्स की कोऑपरेशन होगी। तो सब ने अपना अपना रोल अदा करना है, सब ने अपना अपना जो जिम्मेदारी है उसको निभाना है, और ये मिल के निभाना है, तभी ये इसमें कामयाबी जो है वो मुमकिन होगी। और आखिर में जो नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर ने जिस तरह इसको मेहनत से इस सारे इशू को टैकल किया है, मैं उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि उन्होंने बहुत मेहनत से इस सारे इशू को किया है। अब अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि ये जो मुश्किल फ़ैसला है अल्लाह इसमें हमें सुरखरू करे, और इंशाअल्लाह ताला ये जो तालीमी एक नुकसान हुआ है उसको हम अगले चंद माह में पूरा कर सकें और बच्चों की तालीम का जो सिलसिला है उसको दोबारा शुरू कर सकें। और भी कुछ अटैच्ड मामलात हैं जिनके बारे में हम सोच रहे हैं, मसलन ये कि इम्तिहान जो आगे आने हैं उनके शेड्यूल जो है उसको कुछ तब्दील किया जाए, कोर्स वर्क जो है उसके बारे में सोचा जाए। तो ये सारी चीज़ें जिस तरह हम आगे बढ़ेंगे उसके बारे में फ़ैसला किया जाएगा। बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। बराह रास्त मनाज़िर हम आपको दिखा रहे थे वफाकी वज़ीर तालीम।